सब्जेक्ट हिंदी। आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट नया है, तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे और पहले क से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ मैंने क क डॉट से किया हुआ है, तो पहले हम क सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, यहाँ से हम कर्व बनाएंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर से कर्व बनाएंगे, फिर बाद में ऊपर होगी स्लीपिंग लाइन। तो ये बन गया क। क्या हुआ क? क से क्या होता है? कमर। गुजराती मायने के वैसे कमर, बराबर। तो ये हुआ क। आगे है पढ़ो और लिखो। यहाँ भी हमने एक बार डॉट से क सीखा, पर बाद में यहाँ पे हम और क सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब डॉट से क लिखे हुए हैं और वर्ड्स हम जोड़ेंगे। पहले बनाएंगे कर्व, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व, फिर स्लीपिंग लाइन। तो ये बन गया क से कमल। कर्व, स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व और स्लीपिंग लाइन। तो बन गया क। कर्व, स्टैंडिंग लाइन, कर्व और स्लीपिंग लाइन। तो बन गया क। कर्व, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर बाद में कर्व और स्लीपिंग लाइन। तो बन गया क। कर्व, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व और स्लीपिंग लाइन। तो बन गया क। कर्व, स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व और स्लीपिंग लाइन। तो बन गया क। अब अपने आप हम क लिखेंगे। तो पहले हम कर्व बनाएंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व और स्लीपिंग लाइन। कर्व, स्टैंडिंग लाइन, कर्व और स्लीपिंग लाइन। कर्व और स्टैंडिंग लाइन, कर्व और स्लीपिंग लाइन। कर्व, स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व और स्लीपिंग लाइन। कर्व, स्टैंडिंग लाइन, कर्व और स्लीपिंग लाइन। कर्व, स्टैंडिंग लाइन, फिर बाद में कर्व और स्लीपिंग लाइन। हम आगे भी करेंगे। कर्व, स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व और स्लीपिंग लाइन। 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 तो ये बन गया क। आपको याद रह गया होगा क से क्या होता है? कमल। अब आगे देखते हैं। क ढूंढकर उस पर गोल बना। हमने क यहाँ पे सीखा और ये यहाँ पे वर्ण दिए गए हैं। जहाँ भी क है उस पर हमें गोल बनाना है। तो शुरुआत करते हैं। तो पहला वर्ण है क, तो उस पर हम गोल बनाएंगे। फिर है र, तो उस पर गोल नहीं बनाएंगे। व पर भी नहीं बनाएंगे। आगे आया क, तो क पर हम गोल बनाएंगे, क्योंकि हमें सूचना में दिया गया है क पर ही गोल करना है। झ, तो झ पर हम नहीं बनाएंगे। श, श पर भी नहीं बनाएंगे।
य पर भी नहीं बनाएंगे, दम तो यहाँ पर भी नहीं बनाएंगे, क तो क पर हम गोल बनाएंगे, ल ल पर नहीं बनाएंगे, च च पर नहीं बनाएंगे, क तो क पर हम गोल बनाएंगे, ख ख पर हम नहीं बनाएंगे, श स पर भी नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने क ढूंढकर उस पर गोल बनाया। और आगे क के नीचे रेखा खींचो। यहाँ पे सब शब्द लिखे हुए हैं। सूचना में हमने दिया गया है कि क के नीचे रेखा खींचनी है, तो शब्द में जहाँ जहाँ क है वहाँ हमें रेखा खींचनी है। तो पहला शब्द है ना क, तो क बाद में है तो वहाँ हम रेखा खींचेंगे, ढोल क तो क बाद में है तो हम रेखा खींचेंगे, बकरी तो क बीच में है तो हम रेखा खींचेंगे, कमरा तो यहाँ पे क पहले ही है तो यहाँ हम रेखा खींचेंगे, सड़क तो क कहाँ पे है, लास्ट में है तो हम यहाँ रेखा खींचेंगे, कल यहाँ पे पहला ही क है तो हम रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पे हमने सब शब्द में जहाँ जहाँ क था वहाँ हमने रेखा खींची। अब आगे क से अलग वर्ण पर क्रॉस करो। यहाँ पे सब वर्ण दिए गए हैं पर हमें क्रॉस करना है, पर कहाँ पे, जहाँ क से अलग है वहाँ पे करना है। आगे पहला है क, तो क पर हम क्रॉस नहीं करेंगे, र र पर हम क्रॉस करेंगे, क तो क पर हम नहीं करेंगे, व पर हम करेंगे, क क पर हम नहीं करेंगे, त त पर हम करेंगे, क तो क पर हम नहीं करेंगे, च तो च पर हम करेंगे, बाद में है ख तो ख पर हम करेंगे, फिर क तो क पर हम नहीं करेंगे, आगे भी है क तो हम नहीं करेंगे, ब तो ब पर हम क्रॉस करेंगे, क क पर हम क्रॉस नहीं करेंगे, फिर ये ख तो ख पर हम क्रॉस करेंगे, और बाद में लास्ट में वर्ण है भ तो भ पर हम करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो क से अलग वर्ण था वहां हमने क्रॉस किया। अब आगे देखते हैं पढ़ो और लिखो। यहाँ पे हम शब्द दिए गए हैं, शब्द आपकी जो वर्कबुक में है यहाँ पे चित्र है पर मैंने यहाँ शब्द लिखे हुए हैं। तो पहला शब्द है कबूतर, फिर यहाँ डॉट से क लिखा हुआ है वो हम लिखेंगे, कर्व बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व और स्लीपिंग लाइन का शब्द बन जाएगा कबूतर। फिर बाद में हम अपने आप लिखेंगे, कर्व स्टैंडिंग लाइन, कर्व और स्लीपिंग लाइन, तो शब्द बन गया कबूतर। फिर है कलर्स, तो यहाँ डॉट से लिखेंगे, कर्व स्टैंडिंग लाइन, कर्व तो शब्द बन गया कलर्स। फिर आगे है अपने आप लिखेंगे, कर्व स्टैंडिंग लाइन, कर्व तो शब्द बना कलर्स। फिर आगे शब्द है कलम, तो यहाँ डॉट से कर्व स्टैंडिंग लाइन, कर्व और स्लीपिंग लाइन तो शब्द बना कलम। अपने आप लिखेंगे, कर्व स्टैंडिंग लाइन, कर्व तो शब्द बन गया कलम। आगे का शब्द है लास्ट में कछुआ, यहाँ डॉट से क लिखा हुआ है तो वो हम करेंगे, कर्व स्टैंडिंग लाइन, कर्व तो शब्द बना कछुआ। अपने आप क लिखेंगे, कर्व स्टैंडिंग लाइन, कर्व तो शब्द नीचे भी बन गया कछुआ। तो यहाँ पे पहला शब्द है कबूतर, दूसरा शब्द है कलश,
तीसरा है कलब और चौथा शब्द है कछुआ। तो यहाँ बीच में जो था वो डॉट से लिखा हुआ था और जो लास्ट में था वो हमने अपने आप को लिखा। अब आगे देखते हैं, शब्द में से क ढूंढ कर उस पर घोल बना। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, शब्द में जहाँ भी क है वो हमें ढूंढ कर उस पर घोल बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं, क द म पहला शब्द यही लिखा हुआ है, तो क पहला ही है तो हम घोल बनाएंगे। फिर बाद में करण, तो यहाँ पे भी पहला क है तो हम घोल बनाएंगे। फिर है बकरी, तो यहाँ पे लास्ट में क बीच में है तो हम घोल बनाएंगे। फिर है महक, तो यहाँ पे लास्ट में क है तो यहाँ पे हम घोल बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने शब्द में जहां भी क था वहां हमने ढूंढ कर